किसान भाइयों, ग्रामीण भाइयों, राम राम। देखो किसान भाइयों, आपा मुख्य रूप से खेती करा और खेती करता करता पहले आपा परंपरागत खेती कराया करता। आपा जिसो भी बीज हो तो बो दिया करता, जिसी भी जमीन होती बिनवा लिया करता। कोई आके तो साल भर को अनाज हो जातो, कोई का 6 महीना को, 4 महीना को, यानी परंपरागत खेती उपार कौन पड़ी। अब वैज्ञानिक खेती आई। वैज्ञानिक खेती में अगर आपा तरीके से काम नहीं करांगा, राय शुमारी से काम नहीं करांगा, तो लागत ज़्यादा आवेगी, पैदावार कम हो जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा। ई वास्ते आपने चाहे भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, बहुत बड़ा प्रयास कराया आपन राय देने के वास्ते। वैज्ञानिक नियुक्त किया, बहुत सारा सलाहकार खेती का नियुक्त किया कि वे लोग अपन किसानन राय देंगा, ट्रेनिंग देंगा, कुछ बीज खाद उपलब्ध कराऊंगा, भी चीज़ की जानकारी लेके आपा अपनी आय ज़्यादा कराऊंगा। यानी आपने राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वे अपनी आय बढ़ाने में के तरीके से सहायक हैं, इसकी जानकारी लेके आज अपनी चौपाल में पधारे हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख हैं, कृषि विज्ञान केंद्र टोंक में कार्यरत है। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार। और आपना हिमायती किसाना की बात की जानकारी लेने के खातरे आपने गांव जाहोता तहसील चोमूसी राजेश कुमार जी पधारिया ही। राजेश जी राम राम। राम राम साहब। राम राम। राजेश जी, आप पहली खेती करा करता, परंपरागत खेती करता, खेत की तैयार कौन करता, बिनवा दिया करता, जिसो बीज हो तो बीजो डाल दिया करता। अब आपने कृषि विज्ञान केंद्र आ गयो। बिल्कुल। तो मैं पहलो प्रश्न तो डॉक्टर साहब आपसे उठाऊं कि कृषि विज्ञान केंद्र है के चीज, इसकी जानकारी आप राजस्थान की जनता दे दें, भारत की जनता किसानों दे दें, आप विस्तार से जानकारी बता दें। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा, जो कि भारत का जो सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसके अंडर में आता है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा पूरे देश में आज 714 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, जिसमें से राजस्थान में 44 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो काम करते हैं। हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, जैसा कि अपने राजस्थान में 33 जिले हैं, पर बड़े जिले जहाँ पर 10 ब्लॉक से ज़्यादा हैं वहाँ पर 2 कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। तो ऐसे राजस्थान में 44 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र था वो 1974 में पांडिचेरी में बनाया था, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उसके अंडर में आता था, और आज का जो दृश्य है वो पूरे देश में 714 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को सरकार ने, जो हमारे राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनको, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको, कुछ एनजीओज, और आप जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं उसमें देखेंगे तो वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं उनको भी दे रखा है। तो सारे कृषि विज्ञान केंद्र अलग अलग जो हमारे संस्थान हैं उनके साथ काम करते हैं, पर जो सरकार, भारत सरकार का जो नियम है और जो उनकी गाइडलाइन है वो सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए एक ही है। तो सभी कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर के जो किसान हैं, जो किसान भाई हैं, जो माताएं हैं, जो युवा हैं, उन सबके लिए मिलकर के कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। अच्छा राजेश जी, एक तो आवाज बताओ कि आपने कितनी खेती है। जी, मेरे जैसे 5 बीघा की खेती है। 5 बीघा खेती। अच्छा, कोई गाय भैंस बकरी भेड़ भी पालोगे? बिल्कुल है, 2 भैंस है, 1 गाय है, उसका पालन भी करते हैं, दूध उसका निकालती हैं और डेयरी तक पहुंचाते हैं उसको। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि जो ये प्रशिक्षण केवीसी जो अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, इसमें किस तरीके से पहुंचा जा सके, कृषि विज्ञान केंद्र तक कैसे पहुंचा जा सके, किसान भाई कैसे उस तक पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सिंह साहब, राजेश जी की बात में मैं और जोड़ दूं, आपको मतलब है कि किसान, एक साधारण सो किसान, आम आदमी जो जिले के दूसरे छोर पर है, वो के तरीके से की जानकारी ले, बा विस्तार से बता दें।
कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे कि आप जयपुर के रहने वाले हैं तो जयपुर जो बड़ा जिला है तो उसमें दो कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं, एक अपना जो चौमू है वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, दूसरा हमारा जो कोटपुतली है वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है। तो दोनों कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा जयपुर जिला है उसके लिए काम करते हैं। आपने बात की कि कृषि विज्ञान केंद्र तक कैसे पहुँचे, आप जिस गांव के रहने वाले हैं वहाँ पे जो हमारे जो किसान सहायक हैं वो काम करते हैं, हमारे किसान मित्र हैं, जो हमारा कृषि विभाग है राजस्थान सरकार का वो काम करते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि विभाग है वो के साथ साथ जो आत्मा डिपार्टमेंट है तो वो काम करता है, उन लोगों के द्वारा आप कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं और सीधे कृषि विज्ञान केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के जो मोबाइल नंबर हैं वो सभी जगह उपलब्ध हैं, तो आप डायरेक्ट जा करके और कृषि विज्ञान केंद्र की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं वो सीधे आप जाके वहाँ भाग ले सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं। उसमें किसी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि ये किसान जाएंगे दूसरे किसान नहीं जाएंगे, कोई भी किसान पूरे, क्योंकि पूरे जिले के लिए कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है और जो हमारे जो डिपार्टमेंट है साथ में, जो कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है और उद्यान विभाग है, वो सारे डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर भी काम करता है, तो वो जो और डिपार्टमेंट है वो भी सब जो कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण कराते हैं, तो आप किसी न किसी माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र में जाके प्रशिक्षण ले सकते हैं और जो कृषि विज्ञान के जो 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 अन्य काम है उसमें भी आप वहाँ पे वहाँ उसका फायदा ले सकते हैं। ये बात तो आप राजेश जी, मैं बात डॉक्टर साहब की बात हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को मंदिर है और वो हर एक जिले में एक तो है ही है, दो है, जहाँ जयपुर में कोटपुतली में और आपने टाकरा जो चोमू में अभी किसान ने घबराना नहीं है, जाके आपके हित की बात या मैं कौन सी फसल बोऊं या कौन सो बीज या किसान ने की मदद चाहिए भी की जानकारी लेकर के बिना हिचकिचाट करे हुए कृषि विज्ञान केंद्र में जाओ और डॉक्टर धर्मवीर सिंह जैसा आदमी बैठे मिलेगा, सही राग देगा, किसान का हितेशी होगा, किसान का शुभ चिंतन होगा और मन तो लागे किसान की आय जल्दी बढ़ पावेगी। राजेश जी मन तो आ लागे, नहीं ये बात तो आप सही कह रहे हो, अच्छी राय बताई आपने और शायद मेरे ख्याल में किसान भाई मैं भी हूँ और भी है सुन रहे हैं समझ रहे होंगे, लेकिन जैसे हम परंपरागत खेती करने वाले हैं हम तो उसकी आय हमें कैसे बढ़े इसके बारे में थोड़ा और थोड़ा विस्तार से बताएं तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लो हम टमाटर बाते हैं, मिर्ची बाते हैं या खीरा बाते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ को देख लो, इसको कैसे हम लागत कम करते हुए और अच्छी फसल ले सकें, ई का बारह मायने भी थे थोड़ो बताओ। तो कृषि विज्ञान केंद्र में जो सरकार का जो स्ट्रक्चर है उन्होंने 16 का स्टाफ है वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में, उसमें एक वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख होते हैं और साथ में 6 वैज्ञानिक भी होते हैं और जो टेक्निकल स्टाफ है ऐसे मिलाकर के 16 लोगों का एक बहुत अच्छा एक हमारा स्टाफ है। जो 6 वैज्ञानिक हैं उसमें हमारे जो फसलें हैं उससे संबंधित वैज्ञानिक हैं, जो हमारी मिट्टी है उससे संबंधित वैज्ञानिक हैं, हमारे पशुपालन से संबंधित वैज्ञानिक हैं और जो किसान भाइयों के जो कीड़ा रोग जो सब चीज़ें लगती हैं उससे संबंधित वैज्ञानिक हैं। ऐसे ही हमारे जो महिलाएं हैं, महिलाएं कैसे गांव की महिलाएं कैसे आगे जाएंगी ऐसी के लिए जो हमारी एक गृह वैज्ञानिक भी होती हैं, तो 6 वैज्ञानिक होते हैं। ऐसे ही जो आपका आप जो बात कर रहे थे कि मैं टमाटर मिर्ची करते हैं तो उसके लिए उद्यान का भी वैज्ञानिक होते हैं, तो 6 हमारे वैज्ञानिक हैं। आप पूरे देश में देखिए कि जिला लेवल पे सरकार की एक 6 वैज्ञानिकों एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिकों की एक टीम जो कि हर पूरे देश में हर जिले में 714 कृषि विज्ञान केंद्रों की भी बात कर रहा हूँ तो हर जिले में उपस्थित है जो किसानों के लिए काम करती है। आप जो बात कर रहे थे कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी लागत को कैसे कम किया जाए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पहली सरकार थी, पहली सरकार ने आते ही एक निर्णय लिया था कि किसानों की मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए। किसानों की मिट्टी का परीक्षण होगा तो किसानों को जो सॉयल हेल्थ कार्ड है, मिट्टी की परीक्षण होने के बाद सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, उसमें लिखा है कि आपको कौन सी फसल के लिए कितना आपको खाद डालना है, कितना आपको उर्वरक डालना है, वो उसके अंदर है। यदि हम सॉयल हेल्थ कार्ड के द्वारा अपनी मिट्टी की जांच कराएंगे और सॉयल हेल्थ कार्ड के द्वारा यदि हम अपना जो खेत का फर्टिलाइजर डालेंगे तो उससे निश्चित ही आपकी जो लागत है वो कम होगी। दूसरा हमारा जो केंचुआ की खाद है, यदि आप जो सब्जी के उत्पादक हैं, केंचुआ की खाद जो है वो 3 गुना ज़्यादा फायदा देती है जो हमारी गोबर की खाद होती है उसके अपेक्षा, तो केंचुआ की खाद वो भी सब्जियों में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। ऐसे ही यदि आप बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो पानी में जो खर्चा जा रहा है उसकी लागत कम होगी और
आप स्पेशली टमाटर उगाते हैं तो टमाटर की जो खेती है उसमें मैं आपको एक दो जो प्रजाति है, बड़ी अच्छी प्रजाति है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनकी, एक हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है बेंगलोर में, उनकी एक वेराइटी है अर्का रक्षक। अर्का रक्षक जो वेराइटी है वो ऐसी प्रजाति है कि वो ज़्यादा दिन तक ये रह सकती है, जिससे क्या होगा कि कोई किसान यदि दूर का भी खेती कर रहा है और वो ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा तो काफ़ी समय तक वो रह सकती है। ऐसे ही एक रांची में हमारा संस्थान है, उनकी एक वैरायटी है स्वर्णा संपद, जो देश में सबसे ज़्यादा पैदा देने वाली, जो एक हेक्टेयर में उनकी जो पोटेंशियल यील्ड है वो 1000 क्विंटल है। तो ऐसी प्रजातियों को, ऐसी तकनीकियों को यदि किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित ही फायदा होगा। चलो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर सिंह साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र की है बात चीज़ बता दी, अभी को काम की है जहाँ बताऊँ मैं आपने कि जब मैं एक नयो युवक फौज में भर्ती हो और बिन कमांडो की कोर्स दे के इतनों एक्सपर्ट बना दियो जा, आपकी वैज्ञानिक टीम कृषि विज्ञान केंद्र की किसानान इसको कोई प्रशिक्षण दे कि किसान कमांडो टाइप नजर आवे, यानी नरेंद्र मोदी जी को सपना हुआ कि किसान की आय दुगनी, पैदावार दुगनी नहीं आय दुगनी, तो मन लगे कि अगर कृषि विज्ञान केंद्र अच्छो प्रशिक्षण देगा तो मन लगे कि किसान है जगह जल्दी से तरक्की करेगा, तो कृषि विज्ञान केंद्र को काम की है वो भी बता दीजिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि किसान भाइयों को ये पता नहीं होता कि कृषि विज्ञान केंद्र का काम क्या है। पूरे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से ज़्यादा ऐसे संस्थान हैं जो अलग अलग किसानों के लिए अच्छी अच्छी जो तकनीकियाँ हैं उनको बना रहे हैं। ऐसे ही 70 से ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालय और पशुपालन से संबंधित विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर हैं। पूरे देश में हमारे जिले के लिए, जिस जिले में भी कृषि विज्ञान केंद्र है उस जिले के लिए पूरे देश में कहीं भी ऐसी तकनीकी ईजाद की गई है जो हमारे जिले के किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जिले की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, कहीं पर पानी कम है, कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर दोमट मिट्टी है, तो जो उनकी क्लाइमेटिक सिचुएशन है उस क्लाइमेटिक सिचुएशन में कौन सी जो तकनीकी है जो अच्छी बैठती है, उस तकनीकी को ला करके, जो संस्थान की तकनीकी है उस तकनीकी को ला करके कृषि विज्ञान केंद्र पहले वहाँ पर चेक करते हैं, किसान भाइयों के खेत में चेक करते हैं। यदि वो तकनीकी अच्छी है तो उसको फिर बड़े क्षेत्र में 5 हेक्टेयर में 10 हेक्टेयर में ले जा करके कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों के खेत में प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन का उद्देश्य होता है कि किसान भाई करके सीखेंगे और देख करके विश्वास करेंगे कि हाँ ये तकनीकी मैंने की है, जो मैं तकनीकी कर रहा था उसकी जगह जो वैज्ञानिकों ने जो तकनीकी दी है, जो अच्छी तकनीकी है, तो वो तकनीकी मुझे दी है तो उससे मुझे निश्चित ही फायदा होगा और फायदा होता है। तो फिर वो किसान भाई वो देख करके और करके जो सीखते हैं और देख करके जो विश्वास करते हैं तो निश्चित ही वो चीज़ों को आगे अपनाते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है और जो किसान भाई हैं उनके बीच में एक कड़ी का काम करता है। आप जो बात कर रहे थे कि उनको प्रशिक्षण की, साथ ही तीसरा काम कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो युवा हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको जो तकनीकी प्रशिक्षण है कि जितनी भी नई नई तकनीकी आई हैं उसका प्रशिक्षण, साथ ही साथ हमारा जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं और जो हमारे साथी हैं उनको भी उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए उनका प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी का फायदा उठा पाएँ। उसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र का एक फार्म होता है जो 20 हेक्टेयर का लगभग रहता है, तो वहाँ पर बहुत उच्च क्वालिटी का बीज उत्पादन किया जाता है। बीज जब उत्पादन किया जाएगा, जो उच्च क्वालिटी का बीज उत्पादन है वो पूरा का पूरा किसान भाइयों के लिए होता है। तो किसान भाई यदि कृषि विज्ञान केंद्र का जो बीज है उसको लेंगे, क्योंकि बीज हमारी खेती में बहुत मुख्य भूमिका के रूप में काम करता है, तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो बीज है, जो क्वालिटी का बीज है, यदि उसको किसान भाई लेंगे तो निश्चित ही उनको फायदा होगा। साथ ही साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र है जिले में एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता है, कि जो हमारे साथ के जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वो चाहे पशुपालन है, चाहे वो कृषि विभाग है, चाहे वो उद्यानिकी विभाग है, चाहे वो हमारा फिशरीज विभाग है, चाहे वो वाटर सेड है, तो उनके साथ मिलजुल करके एक रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता है। और एक और मुख्य काम है कृषि विज्ञान केंद्र का, क्योंकि आप जैसी आप बात कर रहे थे कि दूर दराज के जो किसान भाई हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकते कृषि विज्ञान केंद्र में, तो किसान भाइयों के मोबाइल नंबर कृषि विज्ञान केंद्र में है, वो पूरा एक डाटाबेस है, और उस डाटाबेस से जो किसान मोबाइल एडवाइजरी सर्विस है, जो एम किसान पोर्टल है भारत सरकार का, उसके द्वारा
किसान भाइयों को समय समय पर जो किसान मोबाइल एडवाइजरी सर्विस के द्वारा मैसेज भेजे जाते हैं मोबाइल पे, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, चाहे वो बागवानी से संबंधित हो, चाहे वो फसल से संबंधित हो, हमारी मंडी भाव उससे संबंधित हो, चाहे हमारा जो जो वेदर है, जो बरसात कब होने वाली है, अभी हम कौन सी फसल लगाएंगे, अभी हम कब बुवाई करेंगे, कौन सी दवाई कौन से कीड़े के काम आएगी, तो ये सारी चीज़ें किसान मोबाइल एडवाइजरी के द्वारा हर किसान तक, जो डिजिटल इंडिया भारत सरकार ने शुरू किया है, उस डिजिटल इंडिया में हर कृषि विज्ञान केंद्र ने पूरे देश में हर गांव से 10-10 किसानों के मोबाइल नंबर लिए हैं और वो मैसेज किसानों तक जाते हैं, जिससे हर गांव तक, कोई भी दूर दराज का जो गांव है वहां तक भी कृषि विज्ञान केंद्र की पहुंच हो पाए, ये सरकार का ऐसा उद्देश्य है, उसको लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है। तो किसान भाइयों, मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह साहब की बात सुन आ समझे हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र वो मंदिर है, वो स्कूल है किसान को, जैठे किसान के विकास को रास्ता खुले, आपने भी जुड़े रहने हैं, एक कड़ी है किसान के और विकास के बीच की, भी को नाम है कृषि विज्ञान केंद्र जिले को प्रत्येक को, आप लोग भी जुड़े रहने हैं, भी फायदो लेनो है, खाद या बीज को लेनो है, या कोई मौसम को, या कौन सी उन्नत किस्म है, या के तरीके से खेती करनी है, तमाम बातों की जानकारी भाई लोगों जद मिलेगी जद आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखांगा। राजेश जी, और कोई शक है तो सारी बात आज पूछ लो। नहीं, इन्होंने अच्छी सुझाव दिया है, ये बातें करीब करीब बहुत से किसानों को तक पता ही नहीं थी, जो आज इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताई है, और यही होना चाहिए अब जो इन्होंने बताई है, प्रशिक्षण लेवे वहाँ जा करके और उस तकनीक को अपनाएं जो वहाँ से प्रशिक्षण के थ्रू बताई जाए, ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। इसके अब जैसे मान लो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो किसान नहीं समझ पाता है, अब आप तो एक ही काम करोगा, आप संपर्क रखोगा बिल्कुल प्रशिक्षण केंद्र से, और किसान भी बात बिल्कुल एक बात बोलूंगा, ये चीज़ तो संपर्क रखा ही रखा जाएगा और अन्य किसानों को भी जैसे आपने बताया बताया जाएगा। और बात कर, अब बात सिंह साहब आवे है कि चाहे राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो, किसान की आय दुगुनी करनी, यानी लागत कमावे आय बढ़ेगी यदि दुगुनी होगी। कई बार किसान पैदावार तो अच्छी कर ले, लेकिन लागत बहुत ज़्यादा आ जाए, सिंह साहब भी की वजह से पैदावार कम रह जाए, तो सरकार की योजना या कृषि विज्ञान केंद्र की योजना या भी को प्रशिक्षण की जानकारी से विस्तार देनी है किसान भाइयों। जो सरकार का उद्देश्य और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है कि किसानों की आय 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। कृषि विज्ञान केंद्र उस पर काम भी कर रहे हैं, उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मुख्यतः ध्यान में रखी जाती हैं। एक तो हमें जो हमारी खेती की लागत है उसको कम करना है, दूसरा हमें उत्पादन बढ़ाना है, तीसरा हमें उसका वैल्यू एडिशन करना है, और चौथा मार्केट से कैसे जोड़ना है। ये चारों चीज़ यदि हम कर लें तो हमारी आय जो है वो निश्चित ही डबल हो जाएगी, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि उन्होंने इस टाइप के फॉर्मूले को अपनाया है तो उनकी आय बढ़ी है, डबल नहीं और भी ज़्यादा हुई है। यदि आप लागत कम करने की बात करें तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि जो मिट्टी की जांच है, मिट्टी की आप जांच कराओ, मिट्टी की आप जांच कराओगे तो आपके खाद की जो लागत है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो आजकल लिक्विड फर्टिलाइज़र आ रहा है, लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसा है कि जितना भी डालोगे तो उसका पूरा फायदा आपकी फसल को मिलेगा। ऐसे ही बायो फर्टिलाइज़र है जो बड़ा सस्ता आता है, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो सीड है, जो हमारा बीज है, उसकी हमें कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। किसान भाई यहाँ पे जैसे सरसों करते हैं, सरसों हमारा जो भरतपुर में सरसों का अनुसंधान केंद्र है उसकी बहुत अच्छी एक प्रजाति है गिरिराज, जो कि 25 से 30 क्विंटल तक हमारी पैदा देती है। किसान भाई बाज़ार से 700 रुपया 800 रुपया किलो का भाव से बीज लेकर के उतनी पैदावार देने वाला बीज 700-800 रुपया में खरीदते हैं। यदि वही कृषि विज्ञान केंद्र से या भरतपुर से खरीदेंगे उसको खरीदेंगे तो 70 रुपये किलो में मिलेगा। तो यदि एक हेक्टेयर में आप निकालो तो कितना ज़्यादा उनका खर्चा हो रहा है, तो वहाँ से हम कैसे खर्चे को कम कर सकते हैं, बीज की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम मशीनरी का यूज करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, साथ ही साथ हमारी लेबर की वहाँ पर हमारी जो जो खर्चा है वो बचेगा, तो लागत को हम कैसे करेंगे, ये मेन मेन बिंदु हैं। साथ ही साथ उच्च क्वालिटी की हम जो तकनीकी हैं उनको अपनाएंगे तो हमारा
फायदा होगा। जैसे गेहूं में एक बहुत अच्छी वैरायटी है करनाल की HD 3086, और अभी एक लेटेस्ट वैरायटी आई है HD 3226। 3226 ऐसी वैरायटी है जो 70 क्विंटल तक हेक्टेयर में उत्पादन देगी, और जो 3086 है उसकी 55 से 60 क्विंटल है। पर हमने कुछ किसानों के, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने कुछ किसानों के यहाँ पे प्रदर्शन किया था, तो उनके यहाँ 68 क्विंटल तक उत्पादन आया है। तो हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे ही जो गिरिराज वैरायटी है, बड़ी अच्छी वैरायटी है, साथ ही साथ यदि हम उसमें तकनीकी लगाएंगे, यदि किसान भाई सरसों में सल्फर का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो सरसों का तेल है उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। उसकी जब तेल बढ़ जाएगा उसका, तो बाजार में लेके जाएंगे तो उसका प्राइस अच्छा मिलेगा, उनको उनका पैसा अच्छा मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे? यदि ग्राउंड नट आप मूंगफली करते हैं, मूंगफली में यदि आप बोरोन का जो अप्लाई करेंगे तो जो मूंगफली का दाना है वो बड़ा आ जाएगा। जब बड़ा दाना होगा तो बाजार में अच्छे पैसे से बिकेगा। तो कैसे हम तकनीकी का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ हम वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे? यदि हम पशुपालन की बात करें तो हमारा दूध है, दूध का हम पनीर है, मावा है, आइसक्रीम है, ये सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे? यदि इनको बना के यदि संगठित होकर के किसान भाई बेचेंगे तो निश्चित ही फायदा मिलेगा। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र और बहुत सारे जिले में और पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिस पर काम कर रहे हैं। हमारा एक उदाहरण है, कृषि विज्ञान केंद्र ने जो कौशल प्रशिक्षण है भारत सरकार का, उसमें एक प्रशिक्षण दिया था, अर्पित जैन करके एक किसान है, तो उन्होंने प्रशिक्षण लिया, उन्होंने डेयरी का काम शुरू किया और वो आज 23 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और डोर टू डोर एक गोपियम नाम से उन्होंने ब्रांड दिया और उस दूध को डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं, 23 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ पनीर, मावा, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें बना के बेच रहे हैं। तो हम वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे? ऐसे ही यदि हम आंवला है, आंवला का लड्डू है, आंवला का स्क्वैश है, आंवला की कैंडी है, आंवला का चूर्ण है, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। यदि आप अमरूद की बात करें तो अमरूद की बर्फी जो कि बड़ी अच्छी बनती है, उसको यदि मार्केट में लेके आएंगे, यदि बाजार में जो प्रोडक्ट हैं वो सब नकली की बात हो रही है, यदि अमरूद की बर्फी है उसको बनाएंगे, बेर जो हमारा है उसका यदि अचार बनाएंगे हम, तो वैल्यू एडिशन में जैसे ही जाएंगे हम, तो हमारा उत्पादन जो है साथ साथ हमारी जो फायदा मुनाफा है वो बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही किसानों की आय डबल होगी और डबल से भी ज़्यादा होगी। तो किसान भाइयों, सुनील सिंह साहब की बात, किसान की आय दुगुनी, दुगुनी को मतलब तकनीकी जानकारी, खर्चों कम करनो, तरीके से जा कहे हो कि मिट्टी की जांच, आदमी के शरीर की जांच हो जा तो डॉक्टर के समझ में आ जा के आ दवाई देनी है, बिना सोचे समझे नहीं करना है, माटी की जांच करानी है, कौन सी खाद देनी है, कौन सो बीज देनो है, इस चीज़ की अगर आप ध्यान रखांगा तो लागत कम आवेगी, पैदावार बढ़ेगी, तो निश्चित अपनी आय दुगुनी होती नज़र आवेगी। अब आता को आप ध्यान रखो, सिंह साहब एक बात और मेरे ध्यान में आवे बावे के एक दूध राज को किसान जहाँ बात करियो कि जिले में एक या दो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लेकिन जिलों तो बहुत विस्तार से हैं, आम आदमी की पहुंच हो जावे, फायदों मिले बिन, वो ट्रेनिंग ले, जानकारी ले, उन्नत बीज ले, उन्नत खाद की जानकारी ले, तो भी आम आदमी की पहुंच के लिए आदमी के तरीके से चौकन्नो रहना पड़ेगा, इसकी जानकारी भी राजस्थान के किसान भाई दे दो। किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने का बहुत साधारण तरीका है कि वो यदि सीधे कृषि विज्ञान केंद्र जाना चाहते हैं तो सीधे चले जाएं, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं कि साहब हमारी ये समस्या है, इसका क्या समाधान है, तो हम फ़ोन पर भी उनको एडवाइजरी देते हैं। तो जैसे ही अपना, जैसे मैं पहले बता रहा था इनको कि हमारे किसान भाई जो सरकार के हमारे जो साथी हैं, कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, हमारा उद्यान विभाग है, उनके सभी लोग जो हर गाँव में काम कर रहे हैं तो उनके साथ जुड़ करके कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ सकते हैं। यदि सीधे नहीं आ सकते तो उनके उनके माध्यम से आ सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर, और वहाँ से वो फायदा ले सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं होता है कि नहीं ये किसान जुड़ेंगे ये किसान नहीं जुड़ेंगे, कोई भी किसान हो। और मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जिले में एक हमारा जो हॉस्पिटल होता है वो जब काम करता है कि वहाँ पर कोई छोटा व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, कोई भी जाएगा सबकी वहाँ पर जो इलाज होगा, ऐसे ही कृषि विज्ञान केंद्र है जिले में कि वहाँ पे कैसा भी किसान, चाहे वो छोटा किसान है चाहे हमारा बड़ा किसान है, कोई भी किसान जाएगा उसकी समस्या का समाधान उस कृषि विज्ञान केंद्र में निश्चित ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो 6 वैज्ञानिकों की जो टीम है उनके पास समाधान है, और इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैसे फायदा पहुँचाया जाए उस पर कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है। सरकार की योजना भी यही है कि कृषि विज्ञान केंद्र और सभी जो विभाग हैं वो मिलकर काम करें, किसानों के लिए काम करें, जिससे जो किसानों की आमदनी है उसको हम बढ़ा सकें।
और कोई दिमाग में जै 5 बीघा जमीन है अभी चौकी चौकी पैदावार लेने को पूछ लो दिमाग में जहन में तो पूछ लो ने बाकी मैं और बात करूँ किसान नहीं बात। आप जो इन्होंने बताई है अच्छी बात बताई है मैं तो अच्छी बताई हाँ, और भी अच्छी बताऊंगा तो हाँ, बात कुछ नहीं पूछो मैं तो सिर्फ हाँ। इतनी सी जानना और चाहता हूँ कि जैसे मान लो कई बार फसल हम बाते उसके अंदर रोग लग जाता है जैसे मान लो टमाटर है उस पर कभी कई बार क्या पत्तियाँ मुरझा जाती है उसमें कीड़ा लग जाता है तो उससे कैसे बचाव हो सके हमारा उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा डॉक्टर साहब विस्तार से बता सके तो अच्छा कोई कहने का मतलब उसमें उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी ऐसी बीमारी लगती है कैसी भी ऐसी आपकी जो समस्या है तो उसके लिए बहुत सिंपल है आप कृषि विज्ञान केंद्र में एक बार फ़ोन करें। आप बाज़ार में जाएंगे, बाज़ार में कौन व्यक्ति आपको क्या दवा देगा क्योंकि हो सकता है वो वहाँ पे एक्सपर्ट ना हो, आपको कौन सी दवा लगानी है दूसरी दवा लगा देंगे तो आपका निश्चित ही नुकसान होगा। तो इसके लिए भी आपको कृषि विज्ञान केंद्र में एक बार फ़ोन करें, कृषि विज्ञान केंद्र को बताएं मेरे ये समस्या है और यदि आपके पास में कृषि विज्ञान केंद्र है तो निश्चित ही एक पौधा उखाड़ के ले जाएं तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो उसको देखेंगे और इमीडिएटली आपको तुरंत ही आपको उसका समाधान बताएंगे कि इसमें ये इतनी दवा लगानी है क्योंकि कोई भी जब बीमारी है उसमें यदि कम और ज़्यादा हम दवा लगा देंगे तो निश्चित ही वहाँ पर नुकसान होगा तो उसमें कितनी निश्चित दवा लगानी है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क और जो हमारा कृषि विभाग है कृषि विभाग से भी संपर्क बना के रखना है, संपर्क बना के रखेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। अच्छा सिंह साहब एक बात तमाम जानकारी के बाद एक चीज मेरे और जान में आवे कि आपने बिचौलिया अपनो ज्यादा चाले तो सीधो किसान संपर्क करे बिचौलिए के माध्यम से कई बार गुमराह भी कर दे तो वो किसान सीधो संपर्क करे बिचौलिए के गुमराह में नहीं आवे इसके लिए आप किसान ने की राय देनी चाहो। कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों के बीच में कोई भी बिचौलिया ऐसा नहीं रहता है। स्पेशली कृषि विज्ञान केंद्र पूरे जिले के हर किसान के लिए काम करता है और कोई भी किसान चाहे मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि एक हॉस्पिटल के रूप में केवी के काम करता है तो कोई भी किसान छोटा किसान बड़ा किसान सीधे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से और उनके जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है उनका समाधान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी बिचौलिए की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों सिंह साहब जकी बात बताइए भी बात आए कि आप किसान हो मैं किसान हूँ सिंह साहब भी किसान है ए पढ़िया लिखा ही दिमाग खेलो पढ़िया किताब में पढ़िया ई वास्ते ए किसान बैठ जा की बैठ गया आपके हित के वास्ते आपने बताने के वास्ते और आपके कल्याण के वास्ते राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने आपके हित के वास्ते नियुक्त किया ही। और भी किसान भाई मैं कहना चाहूँ कि किसान भाई कौन कौन सी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से सिंह साहब प्राप्त कर सके भी की जानकारी भी बताओ आप। कृषि विज्ञान केंद्र से जो भी किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं चाहे वो पशुपालन से संबंधित है चाहे वो हमारा जो सब्जियां करते हैं उससे संबंधित है चाहे वो फसलें करते हैं उससे संबंधित है बहुत सारी तकनीकी हमारे पास हैं। जैसे भेड़ से संबंधित है हमारा अबिका नगर में जो संस्थान है उसकी अबिसान एक प्रजाति है, अबिसान ऐसी प्रजाति है जो दो बच्चे देती है। कहने को मतलब वो कि भेड़ बकरी पशुपालन व्यवसाय सिंह साहब आप चौपाल में पधारिया कृषि विज्ञान केंद्र आय बढ़ावे की जानकारी दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी धन्यवाद आपको भी आज आपने चौपाल को टेम अठाई खत्म हुआ चला। राम राम साहब।